आज हम कंजक्शन वर्ड है, ग्रामेटिकल पार्ट्स है ये कंजक्शन, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, संयोजक। तो इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे एंड, बट और। एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब होता है परंतु, लेकिन, किंतु, और इसका अर्थ होता है अथवा। अथवा का मतलब हम दो वस्तुओं के बीच में या तो या है या ये, एक का कोई चुनाव करते हैं, उस समय हम और का प्रयोग करते हैं। और बट का मतलब होता है परंतु, कोई सिचुएशन बताने के लिए काम में लेते हैं। एंड का मतलब ये कंजक्शन वर्ड है, हम दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है ये। तो पहला सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ कैसे है। जैसे पहला सेंटेंस है, माई ग्रैंडमा मेक टेस्टी फूड। मेरी जो ग्रैंडमा है, दादी है, वो मेक्स टेस्टी फूड, क्या करती है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। उसके बाद में ये खाली जगह, यहाँ पे अपने को इस प्रॉपर कंजक्शन को भरना है, कौन सा कंजक्शन काम में आएगा। उसके बाद में स्नैक्स फूड, अब दो चीज़ हो गई, एक तो टेस्टी फूड और एक स्नैक्स फूड, अब दो चीज़ों को मिलाना। तो उसमें हम कौन सा कंजक्शन करेंगे, एंड, बट और। इसका मतलब मेरी दादी है वो टेस्टी फूड बनाती है और स्नैक फूड भी बनाती है। तो और शब्द आ गया, और इसका मतलब इसमें एंड का यूज है वो होगा। दूसरा शब्द है, ही इज गुड एट रीडिंग, वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है। ही इज गुड एट रीडिंग, पढ़ने में बहुत अच्छा है। बैड खाली जगह, बैड एट राइटिंग, लेकिन ये इसकी जो राइटिंग है उसमें इसकी जो राइटिंग है लिखने में बहुत ख़राब है। पढ़ने में अच्छा है लेकिन लिखने में ख़राब है। तो इसमें कौन सा कंजक्शन वर्ड है वो यूज करेंगे। तीसरा है जोहन राउल, इसके बीच में ये खाली जगह है, इसमें कंजक्शन वर्ड है स्टडी इन क्लास सिक्स, क्लास सिक्स में ये दोनों पढ़ते हैं। तो इसमें कौन सा बट आएगा, और आएगा, एंड आएगा। रीटू फेल डाउन, रीटू गिर गया। उसके बाद में खाली जगह, शी डिड नॉट गेट हर्ट, लेकिन उसके चोट नहीं लगी। अब इसमें कौन सा कंजक्शन भरेंगे। और उसके बाद में यू कैन ड्रिंक वन थिंग, यू कैन ड्रिंक वन थिंग, तुम एक चीज़ पी सकते हो, एक चीज़ पी सकते हो। टेक टी, या तो चाय, और ये खाली जगह है। दूसरा शब्द है कॉफ़ी, इन दोनों में से एक चीज़ पी सकते। तो दो में से कोई एक अंतर करना हो तब हम कौन से एंड, बट और का कंजक्शन काम में लेते हैं, कौन सा लेंगे। ही ट्राइड हार्ड, उसने कठिन प्रयास किया। उसके बाद में डिड नॉट सक्सेस, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो एंड, बट और में से बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसको हम हल कर पाएंगे। हरी अप, जल्दी करो, वरना यू विल लेट, वरना तुम, यू विल भी आना चाहिए या यू विल लेट। यहाँ शब्द आएगा विल शब्द आएगा, यू विल बी लेट, वरना तुम लेट हो जाओगे। तो इसमें एंड, बट और। आठवां है ही इज रिच, वह धनवान है। नॉट हैप्पी, खुश नहीं है। तो इसमें से देख लें, वह धनवान है और खुश नहीं है, या वह धनवान है बट नॉट हैप्पी, लेकिन खुश नहीं है। ही इज रिच, वह धनवान है और खुश अथवा खुश नहीं है। और का मतलब होता अथवा, वह खुश नहीं है। इसमें से कौन सा प्रॉपर कंजक्शन है वो काम में लेना है। तो ये मैंने 8 सेंटेंस बनाए हैं, आप अपनी कॉपी पर इसको बना करके और तुरंत इसी ग्रुप में वापस डालिए और देखते हैं कितने बच्चों ने अपनी मेहनत से इसको हल किया है। धन्यवाद।